जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल। कांग्रेस की सरकार आने पर 370 पर पुनर्विचार की बात कही। बीजेपी आईजी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट का ऑडियो। मई 2021 का बताया जा रहा है ऑडियो। अब रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड रिड्यूसिंग द स्टेटहुड ऑफ जेएनके इज एक्सट्रीमली आई वुड से सैड डिसीजन एंड द कांग्रेस पार्टी वुड सर्टेनली हैव टू हैव अ रीलुक ऑन दिस इशू। दिग्विजय के ऑडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, बोले कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान। राहुल के संदेश को ही दिग्विजय दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया टूलकिट का हिस्सा, कहा कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ करने की साजिश। विजय पर सिंधिया का वार, बोले कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। दिग्विजय मामले पर बोले गजन सिंह शेखावत, कांग्रेस भारत में पाकिस्तान का देखती है काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। बवाल के बाद बोले दिग्विजय सिंह, मेरे अंग्रेजी के शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान की फारूख अब्दुल्ला ने जमकर तारीफ की, कहा दिग्विजय सिंह ने कश्मीरियों का दर्द समझा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, भारत माता की पीठ में खंजर घोप रही है कांग्रेस, देश तोड़ने वाली पार्टी कांग्रेस। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की, कहा दिग्विजय सिंह पर उतनी चाहिए कालिक। दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन, कहा देश की जनता से माफी मांगे दिग्विजय। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, पवन खेड़ा ने कहा 6 अगस्त 2019 का बयान ही आखिरी। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में 117 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी मायावती की पार्टी। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन से बीएसपी गदगद, मायावती ने गठबंधन को बताया नया राजनीतिक और सामाजिक पहल। मुक्तसर में कांग्रेस पार्टी में पोस्टर वॉर, एक पोस्टर से पंजाब के मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बैनर पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा वक्त के हिसाब से होता रहता है बदलाव। कोलकाता में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी ने टीएमसी के कुणाल घोष से की मुलाकात, अटकले तेज। कोलकाता में बीजेपी एमएलए विश्वजीत दास ने मुकुल रॉय की जमकर तारीफ की, शुक्रवार को ही बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी का तंज लिखा, महामारी महंगाई और बेरोजगारी देकर भी बैठे हैं मौन, जन जन देश का जनता जानता है जिम्मेदार कौन। ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा वैक्सीन पर 5% जीएसटी। एम्बुलेंस पर घटाई गई जीएसटी, अब 28% की जगह 12% लगाने का प्रावधान। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, युद्ध स्तर पर चल रहा काम, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना। दिल्ली के झंडेवाला में जल बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। दल के किसान मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन, 26 जून को सभी राज्यों के राजभवन के बाहर करेंगे प्रदर्शन। पंजाब में एससी एसटी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर बरनाला में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राज्य के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ जिला केंद्रों पर किया हंगामा। यूपी में गाजीपुर से लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, जुलाई से दौड़ेंगी गाड़ियां। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने की समीक्षा, आजमगढ़ में बोले औद्योगिक संस्थान और उद्योग के लिए जल्द चिन्हित हो जमीन। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान, कहा लोग घर से उतना ही निकले जितना राहुल गांधी जाते मंदिर। कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। संजय जायसवाल ने सोनिया गांधी पर भी दिया अजीबोगरीब बयान, कहा डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी। मास्क पहनने को लेकर संजय जायसवाल का अजीबोगरीब तर्क, बोले लोग उतना मास्क पहने जितना योगी आदित्यनाथ पहनते हैं भगवा।
आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले श्री रविशंकर, चीन से आया कोरोना मैनमेड है ये वायरस। अमेठी में रेप पीड़िता की बहन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लगाई गुहार, स्मृति ईरानी ने डीएम को जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान की डीजीपी को एनसीडब्ल्यू ने किया समन, जयपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की रिपोर्ट पर होगी पूछताछ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की शहर में सीबीआई जांच पूरी नहीं होने पर मायूसी, मौत के साल भर गुजर जाने के बाद सहरसा में परिवार से लेकर फैंस ने किया याद। जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने ली वैक्सीन, हाईकोर्ट ने शरणार्थियों के वैक्सीन को वैक्सीनेट नहीं करने पर जताई थी नाराजगी। में 24 घंटे में कोरोना से 213 लोग संक्रमित, 28 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में मंत्री बीडी कल्ला के बयान पर विवाद, कहा बच्चों को बुजुर्गों से पहले लगनी चाहिए वैक्सीन, बच्चे हैं देश का भविष्य। टीकाकरण की नीति बहुत गलत है, टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे। डॉक्टर पर हो रहे हमले के खिलाफ आईएमए का ऐलान, 18 जून को होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। वैक्सीन के लिए जागरूकता मिशन से जुड़े वरुण शर्मा, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उज्जैन में टीके की किल्लत से लोग परेशान, पहला डोज ले चुके लोगों को 3 दिन से नहीं मिल रहा है वैक्सीन। कानपुर में हेलेट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के जारी होने का खुलासा, नर्सिंग स्टाफ ने कोविड मरीजों की मौत के बाद भी स्टोर से लिए इंजेक्शन। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,800 से ज्यादा मिले नए केस, 171 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बीते एक दिन में 463 लोग कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 19 लोगों की जान गई। सोपोर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की जान गई। आतंकी हमले पर बोले उमर अब्दुल्ला, ऐसे हमले की हर हाल में की जानी चाहिए निंदा। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उत्तराखंड की उत्तरकाशी में कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़े जन आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, तीर्थ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के स्वामी आनंद स्वरूप के ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष शब्द हटाकर हिंदू राष्ट्र जोड़ा जाए। दिल्ली सरकार के सिरसपुर गोदाम में सड़ने की कगार पर गरीबों का राशन, मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया। हमीरपुर में भारी बारिश से गेहूं बर्बाद, जिला प्रशासन की लापरवाही से खुले में ही रखा गया है अनाज। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद जल्दी होगी मानसून की दस्तक, 72 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार से भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई का पवई झील ओवरफ्लो, भारी बारिश की वजह से घरों तक घुस रहा है पानी। मुंबई में बारिश का टूटा कहर, अंधेरी सबवे में जलभराव की वजह से लोग परेशान। मुंबई में 13 और 14 जून को हाईटाइड की आशंका, बीएमसी ने तटीय इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी। सतना में पूर्व सरपंच ने खुद को मारी गोली, बीमारी से तंग आकर की आत्महत्या। सोनीपत से सामने आई युवकों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला। दिल्ली के कटेबरा गांव में सरेआम फायरिंग, लोगों में दहशत, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बिहार के सहरसा में डूबने से 5 बच्चों की मौत, प्रशासन ने जांच का आदेश दिया। पटना में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, लॉकडाउन में गाड़ी पर प्रेस लिखकर करते थे शराब की तस्करी। पलवल में एटीएम में कैश डालने वाली कर्मचारी ने ही 36 लाख रुपए का किया गबन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किए पैसे। सुल्तानपुर में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, पंचायत उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल। देवरिया में बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, फिरौती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने पकड़ा। चौक में पेड़ से लटकाकर एक महिला ने दी जान, डिप्रेशन का शिकार थी महिला। रायबरेली में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, लाखों की जेवरात बरामद।
बिहार के औरंगाबाद में सांसद सुशील सिंह के भाई से जालसाजी की कोशिश। सुशील सिंह के भाई सुनील सिंह के खाते से 2 करोड़ निकालने से पहले भंडाफोड़। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने करीब 3 करोड़ की चरस और गांजा पकड़ा, 5 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में 1 करोड़ का गांजा जब्त, बोरियों में भरकर हो रही थी तस्करी। भोजपुर में गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, 1 बच्ची को स्थानीय लोगों ने बचाया। निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से खोदा गया था गड्ढा। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध हालत में मौत, घर में मिले शक, गला घोटकर हत्या का शक। बागेश्वर में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस और फायर टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। कोलकाता में सड़ी हुई लाश टैंक से बरामद, पुलिस को हत्या का शक। जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत रॉय पर हमले को लेकर बीजेपी के 4 विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उधम सिंह नगर में चोरी के ट्रक में 2 युवकों की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के इटावा में डीजे बजाने पर भिड़े 2 गुट, 60 वर्षीय बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा, इलाज के दौरान मौत। आज तक की खबर का असर, नालंदा में शौचालय में रहने को मजबूर महिला की आर्थिक मदद करेगी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, घर बनाने में देंगी योगदान। धनबाद में आए थी आईएसएम के 2 छात्रों ने कैंपस सिलेक्शन में बना रिकॉर्ड, 90 लाख और 81 लाख सालाना पैकेज पर लंदन की एक कंपनी में नौकरी। कोलकाता में रिहायशी इमारत गिरी लेकिन कोई हताहत नहीं। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ी सुविधा, गर्मी में पंखे और कूलर की व्यवस्था। वाराणसी में 6 साल 8 महीने के तीरंदाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को पछाड़ा। G7 के सभी सदस्य देशों ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर कम से कम 15% टैक्स लगाने के बाइडेन के प्रस्ताव पर जताई सहमति। इंग्लैंड में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन जारी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबून को बनाया गया अस्थायी सदस्य, पहले के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे काम। अल्जीरिया में संसदीय चुनाव के लिए नागरिकों ने डाले वोट, संसद की 407 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 20,000 से अधिक प्रत्याशी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता चाउशे 6 महीने बाद जेल से रहा, 2019 में हुई थी गिरफ्तारी। इटली की पुलिस ने ब्रिटेन के 39 वियतनामी शरणार्थियों को पकड़ा, 2019 में लंदन में ट्रक में 39 शरणार्थियों की निर्मम तरीके से की गई थी हत्या। स्पेनिश शहर बार्सिलोना में 6 साल की मासूम लड़की की लाश 1 हफ्ते बाद मिलने पर महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, मासूम को न्याय दिलाने की मांग। नाइजीरिया के लागोस में डेमोक्रेसी डे पर राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पुलिस से हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दुनिया में कोरोना के मामले 17,61,00,000 के पार, अब तक 38,02,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। UFC 263 के लिए इजरायली रेसलर एचान्या और डेविडसन ने वेट इनिंग में दिखाया दम। विन डीजल ने एक्शन और एडवेंचर मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की आगामी फिल्मों पर किया बड़ा खुलासा, कहा अगली फिल्म 25 जून को।